ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और भाजपा के बीच महामुकाबला है। कांग्रेस के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और बीजेपी के ललित चंद्राकर चुनावी मैदान में हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने की स्थिति है। दोनों प्रत्याशी अपने अपने मैनिफेस्टो को लेकर जनता से संपर्क कर रहे हैं। चुनाव को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर से चर्चा की हमारे संवाददाता आनंद नारायण ओझा ने। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी जो प्रत्याशी हैं दुर्ग ग्रामीण से, लगातार प्रचार कर रहे हैं। प्रचार का सिलसिला कैसे चल रहा है सर आपका? प्रचार का सिलसिला अच्छा चल रहा है, क्योंकि पिछले बार पहली बार हम आए थे, लोगों से प्रार्थना किए थे, आशीर्वाद मांगे थे, मिला भी, सरकार भी बनी। सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल में जो काम हम लोगों ने किया सर्वहारा और वर्ग के विकास का, उसका प्रतिफल अभी मिल रहा है। लोगों में जबरदस्त उत्साह है, उमंग है और प्रचार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। पाटन भी हम लोग घूम रहे हैं, इधर भी घूम रहे हैं, उत्साह है आपका। अपने प्रतिद्वंदियों किस रूप में देख रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, हम जा रहे हैं लोगों से, गृह मंत्री साहब नहीं आए हैं मिलने, किस रूप में उनको देख रहे हैं आप? देखिए, मैं प्रत्याशी को कभी भी कमजोर नहीं मानता, प्रत्याशी को मैं सजोर मान के ही चुनाव लड़ता हूँ और मैं उनको कमजोर नहीं मान रहा है। इसलिए और वो क्या कहते हैं वो उनका सोच है, किसको क्या दिखाई देता है, किसको क्या नहीं दिखाई देता है वो जाने। विकास की बात तो दुर्ग ग्रामीण में, दुर्ग ग्रामीण की जनता जानती है कि यहाँ क्या हुआ है। सड़कें हैं, रपटा है, पुल पुलिया है, कॉलेज है, अस्पताल है, स्कूल हैं, सामाजिक भवन हैं, सीमेंट सड़क है, नालियाँ हैं, जितना ज़्यादा जो चीज़ है बना है वो सब जनता को मालूम है। मुझे किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। एक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहब से कहा कि आमंत्रित विचार करें, राजनीति में एक स्तर होना चाहिए चुनाव को लेकर, जिसको हम लोग मैदान में और विकास हम पुनः करेंगे। दुर्ग ग्रामीण से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। भारी विधानसभा से ललित चंद्राकर साहब लगातार प्रचार कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार करते करते दोबारा मुलाकात हुई। गृह मंत्री क्षेत्र साहब का क्षेत्र है, दहाड़ रहे हैं आप, क्या क्या बातें हो रही है? आज पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं। 15 साल की जो सरकार भाजपा की थी और 5 साल की वर्तमान जो कांग्रेस की सरकार है, यहाँ की जो विधायक की जो स्थिति है उसको हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ के जो विधायक है वो यहाँ इस क्षेत्र की जनता ने भारी मतों से चुनाव जीत के भेजे और चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र की जनता को भूल गए और केवल वो अपने परिवार के विकास में लगे रहे, भोग विलास में लगे रहे। आज इस क्षेत्र की जनता अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे। आज पूरे क्षेत्र में आप जाके देखेंगे तो आपको पूरा क्षेत्र में ना कोई विकास दिखेगा, कोई काम नहीं दिखेगा और केवल आपको भ्रष्टाचार दिखेगा, नशे का कारोबार दिखेगा, जुआ सट्टे का काम दिखेगा और आपको इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इस क्षेत्र की जनता अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रहे और जनता ठान के बैठी है कि 17 तारीख को भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता के और फिर छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहाने के लिए और दुर्ग ग्रामीण में फिर विकास की एक राह ले जाने के लिए भाजपा को लाने के लिए तत्पर है। ललित चंद्राकर साहब ने साफ तौर पर कहा कि इस क्षेत्र की जनता इस बार ललित चंद्राकर को ही जिताएगी, भाजपा को ही जिताएगी। दुर्ग ग्रामीण से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। सभा से ललित चंद्राकर साहब लगातार प्रचार कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार करते करते दोबारा मुलाकात हुई। गृह मंत्री क्षेत्र साहब का क्षेत्र है, दहाड़ रहे हैं आप, क्या क्या बातें हो रही है? आज पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं। 15 साल की जो सरकार भाजपा की थी और 5 साल की वर्तमान जो कांग्रेस की सरकार है, यहाँ की जो विधायक की जो स्थिति है उसको हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ के जो विधायक है वो यहाँ इस क्षेत्र की जनता ने भारी मतों से चुनाव जीत के भेजे और चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र की जनता को भूल गए और केवल वो अपने परिवार के विकास में लगे रहे, भोग विलास में लगे रहे। आज इस क्षेत्र की जनता अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे।